सो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली यार, क्योंकि मतलब आपको जैसे कि बताया कि डी वाटू के सारे स्टूडेंट जो है फिर से एक बार प्रोटेस्ट के लिए जाने वाले, ठीक है। और मतलब एक कुछ ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होगा जहाँ पर कुछ रगड़ फेंक वगैरह होगी या फिर जो है कुछ हानामारी मारामारी कुछ होगी, वहां पर जो है पीसफुल तरीके से जो है सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाले। कब करने वाले? कल ही का दिन है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कल ही जो है सारी डी वाटू के जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो जाने वाले सीधा मेन कैंपस लोनर में, और वहां पर जाकर जो है प्रोटेस्ट वगैरह या फिर उनके हक के लिए हो लड़ने वाले, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेगी क्या कुछ असल में कल होने वाला है, क्या कुछ मतलब इसकी प्लानिंग वगैरह चल रही है, वहां पर हमारे साथ कौन उपस्थित होगा, किससे हमारी बातचीत होगी, क्या मतलब कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाले, कौन कौन नई स्टूडेंट का इसमें रोल क्या होने वाला है, क्या कुछ हमको जो है वहां पर डिस्प्ले वगैरह करना है, या फिर हम अगर जा रहे तो हमारे साथ क्या कुछ हमको कैरी वगैरह करना है, ठीक है। तो सारी कुछ बातचीत इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे मेरे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे से कुछ भी मतलब पॉइंट वगैरह छूटते हैं तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल भी आपका है, मतलब वहाँ पर मुझे अलर्ट कर दीजिए, या फिर मुझे लगा कि ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, तो कमेंट सेक्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं कि भैया आखिर मतलब क्यों है आंदोलन वगैरह चल रहा है, या फिर क्या कुछ ऐसा हो पड़ा है कि सीधा आंदोलन के लिए जा रहे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जो कुछ भी आपको तो नए से बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों, कि क्या कुछ हमारी यूनिवर्सिटी में चलता आ रहा है या फिर क्या कुछ करंटली चल रहा है यार। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना स्टूडेंट को बार बार करना पड़ रहा है यार। और मतलब ये एक प्रकार से बोलते हैं ना कि पानी जो है सर के ऊपर से चला जाना, तो वैसी कंडीशन अभी सारे डी वाटू के मतलब स्टूडेंट के साथ हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब सारे जो कुछ भी रूल्स वगैरह रेगुलेशन उसका जो है कुछ मतलब फॉलो क्यों बना गए वही अभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो बस एक कागज पर प्रिंट कर दिए पर ना ही उसको कुछ अच्छा खासा फॉलो होता है। वहां पर लिखा हुआ है कि 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट लगना चाहिए पर हो नहीं लगता, पेपर चेकिंग अच्छे खासे होनी चाहिए पर हो नहीं होती, उसके बाद मार्क्स मतलब अच्छे खासे फील होने चाहिए तो हो भी नहीं हो रहे, वेबसाइट मतलब सोच सकते हो यार, एक यूनिवर्सिटी और उसकी वेबसाइट जो है 3-4 महीने से बंद है या फिर उस पर जो है कुछ काम ही नहीं चल रहा है, बच्चों के रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना डी वाटू यूनिवर्सिटी करती आ रही है। और सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी जो रेमिडियल एग्जामिनेशन वगैरह है जो मैंने वीडियो में बता दिया, और सर्कुलर वगैरह भी आपने देखा ही होगा, तो वो भी मतलब पूरी तरीके से बंद कर दिए। और मतलब सबसे पहले अगर वो अलर्ट कर देते पेपर से मतलब पेपर लेने से पहले या फिर एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट को कि आपकी जो है रेमेडियल एग्जामिनेशन हम बंद करने वाले, तो स्टूडेंट अच्छे खासे प्रिपरेशन में जाते, पर स्टूडेंट को यही लगा कि जो है रेमेडियल एग्जामिनेशन इस बार भी होने वाली, इसके लिए जो हमारे मतलब कुछ पॉइंट्स वगैरह छूट जाते पेपर में लिखने का, या फिर किसी रीजन से हम फेल हो जाते तो रेमेडियल में हम कवर कर सके, पर ऐसा बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया। इसीलिए जो है सारे स्टूडेंट जो कुछ भी विविध मांगनी उनकी या फिर जो है उनके जो कुछ भी पॉइंट्स वगैरह होगी उसके लिए जो है कल जा रहे यूनिवर्सिटी में। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या पीयूष भैया आप भी वहां पर उपस्थित रहोगे या फिर जो है आप भी वहां पर ज्वाइन करने वाले? तो मेरे दोस्तों मेरी इच्छा बहुत ही ज्यादा थी और पूरी तैयारी भी मैंने कर ली थी मन ही मन में, ठीक है, कि मुझे जो है जाना ही, और मैं सच में आने वाला था पर वहां पर जो है मेरा कुछ मेडिकल रीजन या फिर डेंटिस्ट आपसे क्या छुपाना है, तो डेंटिस्ट के पास मुझे जो है जाना पड़ रहा है कल, और वो बोल रहे कि अगर कल नहीं आओगे तो सीधा एक महीने जो है ट्रीटमेंट वगैरह पोस्टपोन हो जाएगी। इसके लिए आप बीच में देख रहे होंगे कि वीडियोस वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, ठीक है, वो इसके वजह से जो है मुझे कल डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, इसके वजह से कुछ भी मतलब मेरी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी वहाँ पर आने की। पर जो कुछ भी ये सारे अपडेट्स वगैरह मैं आपको रेगुलरली शेयर करूँगा, पूरा सपोर्ट जो कुछ भी सोशल मीडिया हैंडल से होगा वो मेरी तरफ से वहाँ पर आपको होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी, कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह आएगी तो मैं जरूर से आप मतलब आपके पास पहुँचाऊंगा। पर वहाँ पर जो है जो कुछ भी आपको बता हुआ कि टेलीग्राम ग्रुप इंस्टाग्राम ग्रुप वहाँ पर आरिफ शेख भैया जो कुछ भी अपने तो वहाँ पर आपके साथ उपस्थित रहने वाले, ठीक है। तो मतलब उन्होंने पूरे कुछ ऑर्गेनाइज वहाँ पर कर दिया अच्छा खासा, ठीक है। तो मतलब गर्ल्स भी जा रहे होगे तो भी आप कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बॉयज़ जा रहे होगे तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से वहाँ पर जा सकते हो। और आपको लगे कि भैया वहाँ पर जाकर करना क्या है, तो वहाँ पर जो आपको जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाए मतलब आरिफ शेख भैया से, तो उनको जो आपको फॉलो वगैरह करना है या फिर जो है वहाँ पर जो कमेटी वगैरह होगी उनसे आपको बातचीत करनी है, आपकी जो कुछ भी पॉइंट्स वो उनके पास शेयर करने हैं, ठीक है। तो मतलब आप जो अलग अलग मीटिंग्स में वगैरह ज्वाइंट हो रहे होगे वहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो पहले से ही बता है, या फिर जो है आप पर्टिकुलरली क्या फेस कर रहे हो या फिर आपके साथ क्या कुछ हुआ है या फिर जो कुछ भी अन्याय वगैरह हुआ है तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर कमेंट्स के द्वारा इसके द्वारा जो है गाली गलौज करते हो तो वहाँ पर जाकर वैसा नहीं करना है, आपको जो उनसे पीसफुली बात करनी है, आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ मतलब शेयर करने की, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे पेपर अच्छे खासे चेक नहीं हो रहे, हमारे रेमेडियल एग्जामिनेशन हमको वापस चाहिए, या फिर जो उनके पराये में हमको जो कंबाइंड पासिंग दे दो या फिर जो कुछ भी है OMR शीट के द्वारा एग्जामिनेशन वगैरह ले लो, तो ऐसे कुछ बातें जो आपको सारी कुछ करनी है, ठीक है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है कल का ही दिन है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर A to Z प्रॉब्लम जो कुछ भी फेस कर रहे हो शेयर करनी चाहिए
चाहिए, अगर नहीं करोगे तो इट विल बी टू लेट, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ही आपको कुछ चांस वगैरह मिलेगा और ना ही फिर से एक बार जो कोई आपके पास आएगा कि क्या कुछ करना है या फिर नहीं, ठीक है। तो अभी बात कर लेती कि मतलब आपको तो पता चल गया कि मीटिंग किस लिए होने वाली है, तो आपको अगर जाना है तो आपको ठीक मतलब लोनर कैंपस में जो है 9:30 बजे वहाँ पर पहुँचना चाहिए, ठीक है। उससे पहले पहुंचे वेल एंड गुड, पर उसके बाद मतलब देरी कर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे के आसपास जो है आपको उस कैंपस में विजिट करना ही पड़ेगा। वहाँ पर इस सारे स्टूडेंट की कम्युनिटी वहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग मतलब रत्नागिरी बोल लो, सोलापुर बोल लो, सातारा बोल लो, या फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट बोल लो, संभाजीनगर बोल लो, धुले बोल लो, नासिक बोल लो, तो ऐसे जो कुछ भी D12 के कैंपस जहाँ जहाँ लोकेटेड है, माफ़ कीजिएगा अगर कोई मतलब मुझसे लोकेशन छूट गई हो, तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो है मतलब अलग अलग ठिकान से वहाँ पर जा रहे हैं और मतलब पीसफुली जो आंदोलन वगैरह करने वाले, ठीक है। तो एक ने भी वहाँ पर जो है जाकर गाली गलौज नहीं करनी है, या फिर जो है काफ़ी ज़्यादा आंदोलन बोले तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग रहा होगा या फिर स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हमको जो है पत्थर वगैरह फेंकने होंगे यूनिवर्सिटी पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी दूसरे के नहीं, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है, इसके लिए उसको जो है अच्छा खासा मेंटेन हमको करना है, ठीक है। वहाँ पर जाकर हमारे प्रॉब्लम शेयर करने हैं, उनके पास से क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखना है और उनसे पीसफुली बात करनी है। उनके कुछ ऐसा नहीं होगा कि हम जो कुछ भी बोल रहे हो उनको मान्य होगा या फिर हो जो कुछ भी बोल रहे हो हमको मान्य होगा, ठीक है। तो मतलब क्वारल तो होना ही है वहाँ पर जाकर, थोड़े बहुत बातचीत वहाँ पर आपकी होगी, ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वहाँ पर जो है आपको पीसफुल जितना भी हो सके उतना करना है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मन में डर है कि क्या हमको फोकस में आ जाएगा या फिर नहीं, तो देखिए यार अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी रही तो बिल्कुल भी किस किस को मतलब फोकस में पकड़ेगी, ठीक है। और अब की अगर स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी तो यकीनन पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको कल ठीक 9:30 बजे यूनिवर्सिटी में जाना है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जा सके मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने ज़्यादा पॉसिबल होगा तो सच में चाहिए। मेरा मेडिकल रीज़न था इसके लिए मैं रुक चुका हूँ या फिर जो है मैं जाने वाला था, ठीक है। तो हमारे कॉलेज के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जो है प्लानिंग वगैरह पूरी तरीके से हो चुकी थी, पर कुछ रीज़न के वजह से कुछ स्टूडेंट जाने वाले और कुछ नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इन शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि मैं वहाँ पर जो है सॉरी पर उपस्थित नहीं रहूँगा, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे लोग वहाँ पर आपको रहेगी जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और पूरा जो है शेड्यूल वगैरह हो चले गए, ठीक है। सीधा जाना है वहाँ पर, बातचीत वगैरह करने, प्रॉब्लम शेयर करने और वहाँ पर रहना कहाँ पर है या फिर खाना पीना क्या है, तो उसके सीन जो है वो टोटली आपको कल जाकर ही पता चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि गर्ल्स के लिए कुछ वहाँ पर के ही गर्ल्स हॉस्टल का कैंपस वगैरह आपके लिए बुक हो चुका है या फिर जो है वहाँ पर आपको रहने खाने वगैरह देंगे, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए भी कुछ वैसा ही सीन है क्योंकि फाइनल ईयर के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है नहीं रहते हॉस्टल में, तो उनके लिए जो कुछ भी प्लेस वगैरह खाली वगैरह होगी या फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो हो जाएगी यार। पर एक दिन अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो यकीनन जो है आगे आने वाले 4 साल या फिर जितने भी कौन से भी ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो तो 2 साल, थर्ड ईयर में हो तो 1 साल या फिर फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर की जॉब वगैरह भी आप देख लो एक बार, ठीक है। तो वो सब माइंड में रखिए और कल जितने ज़्यादा संख्या में जा सकते उतने ज़्यादा संख्या में जाइए, उनको यूनिटी दिखाइए, ओके। और वो कुछ मतलब पॉइंट्स वगैरह बोले तो वहाँ पर जो है झगड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, हाँ आप पीसफुली आपने पॉइंट्स वगैरह रख सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा पीसफुली आप लोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। मीडिया वगैरह होगी या फिर नहीं होगी इस पर भी एक बड़ा सवाल अभी भी है, पर हो सकता है कि वो भी आ ही जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से मैंने दे दी इस वीडियो में, आई थिंक कि सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर ही दोगे, अगर नहीं करोगे तो मतलब कुछ वैसा है नहीं, पर कर ही दो यार, मतलब देखिए कभी बोलता नहीं हूँ ज़्यादा कि शेयर कर दीजिए, पर आज का वीडियो सच में इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जा सकोगे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है चाहिए। आरिफ शेख भैया भी आपके साथ वहाँ पर होंगे तो उनको भी साथ दीजिए और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी होगी वहाँ पर, ठीक है। तो D12 मेन जो कुछ भी अपना कैंपस है वहाँ के भी स्टूडेंट वहाँ पर उपस्थित होंगे, पीसफुली चाहिए, बातचीत कीजिए और पॉजिटिव आउटकम जरूर से लेकर आइए, ठीक है। सोशल मीडिया थ्रू पूरा सपोर्ट मैं यहाँ से करता रहूँगा, जो कुछ भी अपडेट्स है आपकी तरफ शेयर करता रहूँगा। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।